यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा, उसमें ग्राफ डिनोटेशन कैसा होगा, बहुल आवेशों के मध्य विद्युत विभव का मान क्या होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जो हमारे चैनल के द्वारा जो जानकारियां साझा की जा रही है उसका आप लाभ ले सके। मेरा ये उद्देश्य है कि जिन विद्यार्थियों को इस वीडियो की आवश्यकता है और महत्वाकांक्षा पूरी कर सके उतनी उन विद्यार्थियों को महत्वाकांक्षा के अनुसार उनको लाभ मिल सके, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आज का टॉपिक विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। देखिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक में एक फॉर्मूला मैं करेंगे जो आगे के डेरिवेशन में यूज होगा। देखिए ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस परीक्षण आवेश की प्रारंभिक स्थिति है ये A। ये यहां से गति करते हुए यहां पर पहुंचता, ये इसकी अंतिम स्थिति है Q0 की। तो देखिए परीक्षण आवेश Q0 का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किया गया पथ तय करने में कुछ ना कुछ इसने क्या किया, कार्य, तो इसके संगत विस्थापन भी होगा। तो देखिए इसके संगत विस्थापन, इसकी स्थिति सदिश में परिवर्तन का मान कितना है, dr वेक्टर। तो देखिए पहले इसके बारे में लैंग्वेज लिखते हैं फिर फॉर्मूला डेराइव करेंगे। माना एक परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र में स्थित है जो प्रारंभिक बिंदु A से, जिसे प्रारंभिक बिंदु A से अंतिम बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य की गणना निम्न प्रकार करेंगे। अब देखिए कार्य की गणना करेंगे तो इसके संगत विस्थापन की बात करते हैं। इसके संगत विस्थापन में परिवर्तन है डी आर वेक्टर, या फिर कह सकते हैं कि इसकी स्थिति में परिवर्तन, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में चेंज हुआ तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ डी आर वेक्टर। तो देखिए इसके संगत अल्पांश विस्थापन या अल्प विस्थापन डी आर वेक्टर है। आप सबने पढ़ा है कार्य का फॉर्मूला, कार्य इक्वल क्या होता है, कार्य इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कार्य को कैसे काउंट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं W से, बल को किससे करते हैं F से, विस्थापन को S से लिखते हैं, लेकिन यहां पर विस्थापन को किससे लिख रहे हैं dr। अब देखिए ये dr अल्प है तो इसके कारण किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प, तो dw f क्रॉस dr। अब देखिए यह है अल्प राशि, अल्प राशि को पूर्ण राशि में बदलने के लिए हम लोग करते हैं समाकलन, इंटीग्रेट विद जीरो टू स्मॉल आर। अब देखिए ये जो लिमिट ली है इसकी वो जीरो से स्मॉल आर, क्योंकि यहां इसके विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है डी आर, इसलिए लिमिट यहां पर क्या ली है आर।
काफी लोग इसकी जगह एल भी यूज करते हैं, और ये जीरो के लिए आप, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन जीरो टू स्मॉल आर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए अब सर अभी क्रॉस लगा रखा है या डॉट कैसे लगाया, तो देखिए दो सदिश राशियों के बिंदु गुणनफल से सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और कल हम लोगों ने ऐसा बताया था कि कार्य अदिश राशि है। तो देखिए अब इस स्टेप में क्या होगा, ये जो है डी डब्ल्यू डी और इंटीग्रेशन का जो साइन है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या गिवन होगा, डब्ल्यू इक्वल इनफाइन जीरो टू स्मॉल आर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए आपने कल पढ़ा कि कोई अनंत पर आवेश स्थित है, उसको विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहा है, तो उसके लिए प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और किसी के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल का मान होता है F equal QE, लेकिन यहाँ पर आवेश Q नहीं है, Q की जगह है Q naught, परीक्षण आवेश है। तो देखिए F की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अगर ये वेक्टर फॉर्म बात कर रहे हैं तो F वेक्टर equal QE वेक्टर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं W equal minus 0 to small r QE E वेक्टर dot डी आर वेक्टर। अब देखिए W इक्वल कांस्टेंट राशि वो मैं ले लेता हूं बार क्यू नॉट इंटीग्रेशन जीरो टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर मैं इसको डिवाइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो डिवाइड में ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट इक्वल माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए आप लोगों ने कल स्टडी किया था कि V इक्वल W अपॉन Q, कार्य बटा आवेश का मान किसके इक्वल होता है, विभव के। अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, W by Q नॉट, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा V से, देन फॉर्मूला क्या मैं पूछा V इक्वल इन 0 टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव के लिए ये सूत्र बना, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है और आगे इसका हम लोग यूज करेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के, और विद्युत विभव में भी इसका यूज होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V की। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो देखिए पॉइंट ओ पर पॉइंट चार्ज क्यू सिचुएट है, बिंदु ओ पर बिंदु क्यू स्थित है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P, इस बिंदु पर आपको क्या फाइंड करनी है, विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो देखिए ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी बाहर की ओर, तो E वेक्टर ऐसा होगा। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कोई आवेश है विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो उसके संगत उसका विस्थापन होगा। तो देखिए इसके संगत
ये चार्ज की डायरेक्शन देने की बात की हो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके विस्थापन की दिशा भी क्या होगी इसी दिशा में, देन दोनों की डायरेक्शन सेम होने पर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज करेंगे, पहले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। माना बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। देखिए बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है और इससे बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वहां पर आपको विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। अब ये आपको पहले ही बता दें कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की ओर, और आवेश बाहर की ओर गति कर रहा है तो उसके संगत जो विस्थापन की वैल्यू होगी वो होगी डी आर वेक्टर। अब देखिए इसको काफी बार डी आर वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट भी किया जाता है, लेकिन हम लोग आर ले रहे हैं तो सभी जगह आर ही लेंगे या फिर एल ले रहे हैं तो सभी जगह एल लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, we know that v equal minus integration 0 to small r e vector dot dr vector। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है kq upon r square, लेकिन यहां पर है e vector तो क्या हो जाएगा e vector equal kq by r square आर कैप। आर कैप क्यों हुआ, क्योंकि ये सदिश राशि है, ये राशियां जो अदिश है तो एक तरफ सदिश और दूसरी तरफ अदिश होने पर वहां पर क्या जाता है आर कैप। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, v इक्वल 0 टू स्मॉल r के क्यू बाय r स्क्वायर आर कैप डॉट dr वेक्टर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का वे देखिए हमने क्लास 11th में सदिशों का गुणनफल पढ़ा था। तो देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल होता है a b cos थीटा। अब देखना इसको कैसे लिखा है, r कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप, सदिश a का परिमाण लेते हैं लेकिन यहाँ पर r कैप है इसका परिमाण ले लेंगे, फिर dr वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर cos थीटा का cos थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। देन कंडीशन क्या होगी r कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल। अब देखिए आपने क्लास 11 में पढ़ा कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है वो एकांक सदिश कहलाता है। तो देखिए r कैप एकांक सदिश है और एकांक सदिश का परिमाण ले रहे तो उसका मान कितना प्राप्त होना चाहिए, इकाई एक प्राप्त होना चाहिए और ये एज इट इज हो जाएगा dr वेक्टर, फिर cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए यहां पर क्या होगा फाइनली dr वेक्टर r कैप इक्वल dr। वेक्टर लिख भी सकते हैं एंड नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है। तो देखिए r कैप डॉट dr वेक्टर इन दोनों की वैल्यू फाइनली क्या मिली dr वेक्टर। अब देखिए इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो v इक्वल माइनस 0 टू स्मॉल r kq बाय r स्क्वायर dr। अब देखिए वेक्टर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, दोनों ही कंडीशन है।
अब देखिए v इक्वल kq, k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है यहां, तो मैं इसको कर लेता हूं आउट r स्क्वायर। अब देखिए इसमें रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0 टू स्मॉल r dr। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड में है और ये रिजल्ट जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, दोनों इक्विवेलेंट ही है। अब देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों साथ में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो v इक्वल माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर। अब इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू स्मॉल आर, तो क्या कर देंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v इक्वल माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपर लिमिट है इसकी r माइनस लोअर लिमिट है 0, देन ये कंडीशन v इक्वल माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल r, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, क्या हो गया फाइनल रिजल्ट माइनस के क्यू बाय r, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव साइन है, इसको मैंने रिमूव किया, तो यहाँ रिमूव करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के क्यू पाई आर, तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के मान का सूत्र प्राप्त होता है के क्यू अपॉन आर। लेकिन जब हमने पढ़ा पीछे फर्स्ट चैप्टर में कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है वी की जगह हो जाएगा ई kq by r square, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है r। अब देखिए इसमें ग्राफ कैसे होगा, v r ग्राफ, तो देखिए v है जो r के विद्युत कर्मानुपाती, then इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला, इस कंडीशन में क्या ग्राफ होगा, v इसको प्रदर्शित करता है और इसको r, दोनों एक दूसरे के विद कर्मानुपाती है, तो भी इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। अब देखिए v के फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल kq बाय r, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, ये है निर्वात में। अगर ये जो q आवेश है ये आवेश किसी माध्यम में उपस्थित हो, तो देखिए उसके लिए क्या कंडीशन है, केस फर्स्ट, यदि आवेश q एप्सिलॉन r परावैद्युतांक के माध्यम से गिरा हो तो देखिए यह कंडीशन क्या हो जाएगी, वी एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो निर्वात तक था ही, लेकिन माध्यम की बात की तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई क्यू बाय आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गए इसकी निर्वात में और माध्यम में मान। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर इक्वल एफ बाय एफ एम, निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, और ये भी पढ़ा था एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर क्या पढ़ोगे आप लोग, यहां पर ये पढ़ोगे कि वी एम बाय वी इक्वल एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला कैसे हुआ, देखिए Vm की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई q बाय स्मॉल r डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, इधर क्या चल रहा है Vm बाय v, q बाय r कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सॉरी इसमें थोड़ा चेंज करना, v by vm होगा,
तो देखिए क्या मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट वी एम अपॉन वी अपॉन वी एम इक्वल एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला में निर्वात में विद्युत विभव तथा माध्यम में विद्युत विभव का अनुपात एप्सिलॉन आर के इक्विवेलेंट होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो ऐसा पढ़ा था, और आप विद्युत विभव के पदों में पढ़ रहे हैं तो इस तरह का पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक बार इसको वापस देख लीजिएगा, ये V by Vm equal epsilon r, V मतलब निर्वात में और Vm मतलब माध्यम में। निर्वात में K का मान होता है 1/4πε0 और माध्यम में होता है 1/4πε0 epsilon r हो जाएगा। अब ये दोनों साथ में, अब देखिए ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा सेम है, तो रिमेनिंग पार्ट होगा तो उससे फॉर्मूला ये कंसिडर होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव की। देखिए ऐसा टॉपिक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, वहां पढ़ा था बहुल आवेशों के मध्य बल, यहाँ पढ़ रहे हैं बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। तो देखिए पहले इसके लिए ज्योमेट्रिकल बनाते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें बहुत सारे आवेश स्थित हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Qn। ये है बिंदु इनका O। इस O बिंदु के दूरियां, O बिंदु से इनकी दूरियां हैं वो है क्रमश R1, R2, R3 और R। इस बात का ध्यान रखें ये इनकी दूरियां हैं, स्थिति सदिश नहीं है। तो देखिए ये कोई आवेश स्थित है तो लिखते हैं इसके बारे में, माना किसी निकाय में कैपिटल N आवेश स्थित है जिसके मान क्रमश Q1, Q2, Q3 एंड Qn है तथा बिंदु O के सापेक्ष दूरियां क्रमश R1, R2, R3, Rn है। देखिए दूरी एक अदिश राशि है इसलिए यहां पर वेक्टर नहीं है, अगर स्थिति सदिश होता तो यहां वेक्टर आ जाता। तो देखिए हमें यहां पर क्या करना है, विद्युत विभव के मान की गणना करनी। तो देखिए सर्वप्रथम Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान निम्न होगा। देखिए अभी लास्ट डेरिवेशन हमने पढ़ लिया था, उसमें पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान होता है V equal KQ upon R, लेकिन यहाँ पर चार्ज कौन सा Q1, तो इसके कारण क्या हो जाएगा KQ1 upon R। तो चार्ज 1 है तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान भी क्या हो जाएगा V1। ये बन गया प्रथम आवेश के द्वारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पुनः Q2 आवेश के कारण बिंदु
ओ पर उत्पन्न विभव का मान निम्न होगा। तो देखिए यहां पर क्या जाएगा, V2 इक्वल KQ2 बाय R2। देखिए यहां पर R2 और यहां पर 1 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह ये प्रोसेस सिमिलरली लिख देते हैं यहां पे, तो सिमिलरली VN इक्वल KQN बाय R, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो आपको यहाँ पर बिंदु O पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव का मान निम्न होगा। तो देखिए परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इस बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा कि V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट अप टू VN। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि का मान सभी बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, अतः इसलिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका मान सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। देखिए बिंदु P, बिंदु O पर आपको क्या फाइंड करना है, परिणामी विद्युत विभव, मतलब कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो कुल विद्युत विभव के लिए क्या कंडीशन होगी, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, इसलिए सभी आवेशों के द्वारा जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा उन सभी के बीजगणितीय योग के इसके तुल्य होगा। तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 डॉट अप टू V, पुट द वैल्यूज, इन सब का क्या कर देता है, मान रख देते हैं। तो V इक्वल हो जाएगा K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2 डॉट अप टू K Qn अपॉन R। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट है इसमें K, तो जाएगा Q1 बाय R1, Q2 बाय R2 डॉट अप टू Qn बाय R। ये इसके परिणामी विद्युत विभव के सूत्र को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसको व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल K सिग्मा इनिशियल I, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ पे एंड हो रहा है, N से, तो Q I by R। ये इसका जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप कहलाता है इसका विद्युत विभव का। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण और बहुल आवेशों के कारण। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वैद्युत दीदूरु के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव के मान की क्या गणना होगी और उसके अक्ष पर कितना मान प्राप्त होगा, निरक्ष पर क्या मान प्राप्त होगा, सदिश निरूपण क्या होगा, ये टॉपिक हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।